आपके हर बिल को बनाने और उसका हर हिसाब रखने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली तेल तिलहन बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव सुधार के साथ बंद हुए। मलेशिया एक्सचेंज में 2.5% की तेजी थी, जबकि शिकागो एक्सचेंज में लगभग 2.5% की तेजी थी। वहीं सोयाबीन डिगम का कारोबार भी बेपड़ता हो गया है, क्योंकि इसे आयात करने में नुकसान है। नेशनल फेडरेशन पार्टी NFP और फिजी लेबर पार्टी FLP ने फिजी प्रतियोगिता और उपभोक्ता आयोग द्वारा एक्स मिल चीनी की कीमत में 90 सेंट प्रति किलोग्राम की वृद्धि को मंजूरी देने के फैसले की निंदा की है, जबकि फिजी चीनी निगम और गन्ना उत्पादक परिषद ने घोषणा का स्वागत किया है। NFP नेता सरकार की सहमति से चीनी की कीमत में अत्यधिक वृद्धि का उद्देश्य एक दिवालिया फिजी निगम को उभारना है। DGFT ने भारत के अगले वित्त वर्ष 2022-23 के लिए $500 अरब के निर्यात का लक्ष्य रखा है। बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित वेबिनार को संबोधित करते हुए अतिरिक्त विदेश व्यापार महानिदेशक ने कहा कि दिसंबर 2021 में निर्यात $37.8 अरब रहा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जनवरी को खत्म हुए हफ्ते में $2.229 अरब बढ़कर $634.965 अरब हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के शुक्रवार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक इससे पहले 7 जनवरी को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार $87.8 करोड़ घटकर $632.76 अरब हो गया था। भारत खाद्य तेल के मामले में आयात पर निर्भर है, यही कारण है कि अब खाने के तेल के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी को ध्यान में रखकर पाम ऑयल मिशन की शुरुआत भी हुई है। किसान को तिलहनी और दलहनी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दलहनी फसलों के रकबे में भी 1.47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की बढ़ोतरी हुई है, हालांकि चने का रकबा 4.25 लाख हेक्टेयर बड़ा है। बीते साल कुल दलहनी फसलों का रकबा 162.88 लाख हेक्टेयर था, जो इस बार बढ़कर 164.35 लाख हेक्टेयर हो गया है। चने की खेती का रकबा पिछले साल के 109.05 के मुकाबले 113.30 लाख हेक्टेयर तक पहुँच गया है। अप्रैल दिसंबर 2021 की अवधि में रत्न और आभूषण निर्यात बेहतर मांग से अमेरिका, हांगकांग और थाईलैंड सहित प्रमुख देशों में 5.76% बढ़कर $29.08 अरब हो गया। जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल GJEPC ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र में सीजन 2021-22 में बड़ी संख्या में चीनी मिलों में परिचालन चालू है। चीनी आयुक्तालय के आंकड़ों के मुताबिक सीजन 2021-22 में 20 जनवरी 2022 तक महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 193 चीनी मिलों ने पेराई शुरू कर दी है, जिसमें से 96 सहकारी एवं 97 निजी चीनी मिलें शामिल हैं और 633.77 लाख टन गन्ने की पेराई की जा चुकी है। सफेद सोना यानी कि कपास की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी ने देश भर के किसानों के चेहरे खिला के रख दिए हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश की प्रमुख मंडियों में कपास के भाव में जबरदस्त तेजी आई है। कपास में लगातार तेजी से कॉटन यार्न के भाव भी लगातार बढ़ रहे हैं। कॉटन यार्न के फाइन काउंट में तेजी का असर कपड़ा निर्यात पर पड़ रहा है। राजस्थान सरकार ने फसलों की सरकारी खरीद को लेकर एक अहम फैसला लिया है। अब मूंग, उड़द, सोयाबीन की खरीद 29 जनवरी तक और मूंगफली की 15 फरवरी तक खरीद होगी। इस बात की जानकारी खुद सहकारिता मंत्री ने दी है। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।